बट मैंने तुझे एक मेल भेजी है, इसका प्रिंट आउट निकाल के जरा मेरे पास में भेज। सारे के सारे अलग-अलग। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, देखो मैंने अभी एक प्रिंट मंगवाए थे, तो इन्होंने वही गलती की है जो आम लोग तो करते हैं प्रिंट निकालने में। तो प्रिंट निकालने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम किस चीज़ को सेट कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा प्रिंट था, अब इस शीट के बारे में, जी हाँ छोटा सा प्रिंट था ये सारा, और इस शीट को इन्होंने कुछ इस तरह से निकाल के दिया है और लगभग 5 या 6 पेज इन्होंने वेस्ट कर दिए हैं, और ये सारा का सारा हिस्सा इनका खाली रह गया। तो इसको यूज़ किस तरह से करते हैं आज हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह से हम इस अपने पेज को और बचत को, पैसे को किस तरह से सेव करेंगे, मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर। हमारी एक शीट थी जिसको हमारे लड़के ने इसने 5-6 पेज पे निकाल के दिया। इस तरीके के काम आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके शॉप पे भी हो सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके छोटे से डेटा के लिए पेज वेस्ट करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए कि हम इसको एक ही पेज पर ले आएँ। छोटे से सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको उठाइएगा पूरे पेज को, ठीक है, यहाँ से Ctrl+C कीजिएगा और आप इसने क्या करना है, आपने इसको WinWord में ले जाओ सीधे सीधे, और कोई भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फिर आप यहाँ पे जाइएगा सीधे पेज लेआउट पे, ये वाला लेआउट ऑप्शन, इस मार्जिन को नैरो कीजिएगा, साइज आप अपना A4 जो निकालना है उसी पे रखिए। इस ऑप्शन का यूज़ करना है कॉलम का, इसमें आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आप अपने इस डेटा को एक कॉलम में ला सकते हैं, 2 कॉलम में ला सकते हैं, 3 कॉलम में, और खाली यहाँ ला के आपने Ctrl+V करना है। आप जैसे Ctrl+V करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने इसको 4 में डिवाइड करना है तो आप 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा कट रहा है, तो इसको हम 4 ना करके 3 रखेंगे। 3 में ये 1 की जगह 2 पेज आ जाएंगे। और अगर आपने रफली यूज़ करना है या सिर्फ डेटा चेक करने के लिए करना है तो आप इसको बहुत साइड प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा कमांड दूंगा Ctrl+P, और आप अपने प्रिंट में अगर बहुत साइड कर देंगे तो दोनों साइड से आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ से नहीं चाहते कि इस तरीके से करें तो आप सिंपल इसका नॉर्मल प्रिंट दीजिएगा, सारा का सारा डेटा आपका एक ही शीट पे आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने टाइम की सेविंग और पेजेस की सेविंग जरूर कीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम में आने वाली है। थैंक यू दोस्तों।